पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। म्यूजिक ने मुझे नाम दिया शोहरत दी, जिंदगी को एक नए माने दिए, नए मतलब दिए। सुन रही जो धुन कहीं वक्त आ गया है उसे कुछ वापस देने का। आईने में छुपे राज सुन। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये जो संगीत की धरोहर है ये हम लोग बच्चों को सौंप रहे हैं। हमारे तक तो हमारे बड़ों ने संगीत भी भेजा, संस्कृति भी दी, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार, वो संस्कृति और वो संगीत दें। सुपरस्टार सिंगर के सभी बच्चों को मैं अपना ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ ताकि संगीत की धरोहर आप संभाल कर रखें और उसे आगे ले जाएं। बच्चों, ये संगीत की धरोहर हम लोगों ने चलाई थी, आपको हम सौंपे जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइएगा, बढ़ाते जाइएगा, गुड लक। संगीत की धरोहर को ये बच्चे बहुत आगे ले जाएं, यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद है आने वाले कल को। एक तो यहाँ पे खाली लग रहा है। संगीत जगत की महान हस्तियों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ हमारे पांचों कैप्टन्स निकल पड़े ढूंढने सिंगिंग के कल की धरोहर को। भगवान जी ने हमारे देवनश्रिया को ये आशीर्वाद दिया है कि ये ऑडिशन में बहुत ज्यादा अच्छा करे और ये जर्नी में बहुत आगे तक जाए। जिस देवनश्रिया को हिंदी का एक वर्ड नहीं आता, क्या वो सिंगिंग के कल की धरोहर बन पाएगी? हाय हाय, क्या नाम है आपका? देवनश्रिया। ओह, सही, पॉज लेके सोच के लिया है। आप कहाँ से हैं? थैंक यू मैम। ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। आप क्या गाने वाली हैं आज? तेरे मेरे बीच में। ओह वाव, दिस सॉन्ग इज लव, है ना? तो गाए? ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। 3, 2, 1, सम। बढ़िया। क्या? हाँ, जैसे सब समझ गया। एक डोर के कोई
पार बिल्ले क्या तुम तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन कैसा है बंधन कैसा है बंधन जाओ नेहा मैम बुला रही है जाओ और ये गाना ओ माय गॉड यू हैव माय हार्ट नाउ द सर्टिफिकेट आल्सो थैंक यू सायली, I am so proud of you. बहुत proud हूँ यार मैं सायली. हमारे जो captains हैं वो ऐसे ही नहीं यहाँ पर आ गए हैं. They deserve to be here. Big round of applause for सायली and all our captains. आप कुछ बोलना चाह रहे हो दानिश? नहीं नहीं, मैम उसकी बोलती बंद हो गई अभी मेरे बच्चे का गाना सुनाना. मुझे ऐसा लग रहा है कि दानिश अभी मतलब सोच रहा है कि बस मेरा कंटेस्टेंट आने दो, मेरा बच्चा आएगा तब मैं इनको बताऊंगा. तुम्हारा बच्चा आने वाला ही नहीं. पीलीभीत के एक तूफान को उसकी मम्मी रोज सुबह उठाती है, ब्रश में पेस्ट लगा के देती है, बाथरूम में टॉवेल रखकर आती है, बाल बना के देती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, और यहाँ तक की टिफिन और बुक्स वो भी बैग में भर के देती है. और यही कार्यक्रम स्कूल से वापस आने के बाद भी चलता है. मतलब बेटे तो पक्का लाड साहब ही है. और माँ, माँ की जिंदगी घर वालों की ऐसे ही सेवा करने में बीत रही थी और तभी सुपरस्टार सिंगर आया और माँ पहली बार घर से निकली. थैंक यू. कहाँ नहीं जा रही? सोनी डी बस यहाँ से मुंबई जा रही हूँ इसको ऑडिशन दिलाने के लिए. हाँ, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है इसका. दिलाने जा रही हूँ. पहली बार जा रही हूँ. हाँ, मुंबई पहली बार जा रही हूँ मैं. प्रार्थना है ये आगे बढ़ जाए तो उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा. अकेले ही जा रही हूँ अभी तो. हाँ, अजीब सा लग रहा है लेकिन ये इसका हो जाएगा तो थोड़े दिन मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी घर के कामों से ना. घर में तो और के लिए काम ही काम है, परमानेंटली काम ही काम. कभी खत्म नहीं. सही काम घर के काम कर. अब अगर बेटे का सिलेक्शन हो जाता है तो माँ को भी यहाँ रहने और आराम दोनों मिलेगा. क्या 13 साल का क्षितिज अपनी माँ को अपनी जिंदगी का पहला रिलैक्स्ड हॉलीडे दिलवा पाएगा? हेलो मैम. हेलो क्षितिज, आप कहाँ से आए हैं? मैं मैम पीलीभीत यूपी. पीलीभीत? मैंने नाम सुना हुआ है. मैम बहुत दूर है, मतलब पीलीभीत पहुंचते पहुंचते हम नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे. इतना दूर है. बहुत ज्यादा. अच्छा, आपको तकलीफ हुई होगी आने में फिर? नहीं मैम, तकलीफ नहीं, एक्साइटमेंट ज्यादा था आप लोगों से मिलने का. इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई. नहीं हुई. और फिर ये दुनिया देखने का जब पता लगा ना मैम यहाँ आ रही हूँ. मैम आप मेरी खुशी नहीं समझ सकती. मैम इसके कपड़े नहीं रखे, मैम अपनी 8-10 साड़ियाँ रख ली. मैम मेरे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाई हैं और खुद की अटैची भर के लाई. घर के कामों से बहुत बोर हो चुकी हूँ. यूपी वाले हैं ना मैम, चाय आपको पता कितनी पीते हैं? मैम पूरे दिन चाय चाहिए, पूरे दिन चाय चाहिए होती है. और फिर इनके काम तो वो तो देखो शौक हो रहा है. मम्मा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे मैम काम दिखता ही नहीं है ना इन लोगों को. एग्जैक्टली. मैम इनको बिल्कुल अपना तो कोई काम नहीं है. मैम नहाना तक नहीं है. ये पाउडर पे कहानी चल रही है मेरे घर की. मैम साबुन नहीं आते मेरे
घर में पाउडर पर्स में हर जगह डाल के चलते हैं इनके पापा और ये पाउडर लगाया पाउडर थोपा चल दिए बस पाउडर पे और उसके बाद मैम कलर देखिए मैम पाउडर के बाद भी रंग देखिए आप ये सोचिए पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।